आर्थिक बजट सन 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं सन 2024 में हमारे पैसे कब कब आएंगे, कहां कहां से आएंगे और कैसे और कहां हमारे पैसे जाएंगे। इन सारे बातों को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान रखिएगा, एक इस वीडियो का जो बेस होगा वो होगा शनि राहु और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति पर यह बेस्ड होगा। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो आपके वित्त मंत्री धन के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव, इनके ट्रांजिट का असर आपके जीवन में कहां कहां आपके धन से आपको जोड़ेगा, इस बात को आप जानेंगे। यहां पर पूरे हमने सभी ग्रहों को लिखा हुआ है, सभी ग्रहों मतलब कि मंगल के ट्रांजिट को लिखा हुआ है, साथ ही साथ शनि गुरु और राहु के प्रभाव को समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके वित्त मंत्री मंगल देव से। मंगल देव को समझिए, आप ये समझिएगा इनका ट्रांजिट अभी वर्तमान समय में 5 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक का जो समय होगा, 13 मार्च तक के यही मंगल देव मकर में रहेंगे। मकर अर्थात ठीक आपके लाभ और इनकम भाव पर मंगल का प्रभाव रहेगा। इनकम के दृष्टिकोण से यह प्रारंभ का जो महीना है 13 मार्च तक का समय बहुत अनुकूल समय आप इसे मान सकते हैं। इस समय पर धन से जुड़े हुए कोई बेहतर कार्य हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यही होगा धन के स्वामी का लाभ भाव पर होना, कोई धन लाभ की अधिकता हमारे जीवन पर प्रदर्शित करेगा। इस समय पर कोई इच्छाओं की पूर्ति आपको करना है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी हमारा धन व्यय होगा, लेकिन यदि हमारे धन लाभ की अधिकता है तो हमें धन खर्च करने में कोई मनाही नहीं है और इसी को समझते हुए धन लाभ आपके अनुकूल रहेंगे। अब जैसे ही 13 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल का समय आएगा, यही कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर पहले से शनि देव विद्यमान है, अब मंगल देव भी यहाँ चले जाएंगे। मंगल शनि का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। इस समय पर आपके कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। आपके पैसे कहाँ चले गए? आपके पैसे चले गए इन्वेस्टमेंट में, आपके पैसे चले गए इस समय पर खर्च में, क्योंकि खर्च स्थान पर मंगल देव विद्यमान रहेंगे। इस समय पर हमें ये ब्यौरा अपने पास रखना होगा कि भाई कौन सा मेरे अच्छे खर्चे हैं और कौन से मेरे बुरे खर्चे हैं, इसका नियंत्रण आपको अपने हाथ में रखना होगा, इस बात को आप समझिएगा। जैसे ही यहाँ पर 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक का समय जो रहेगा, इस समय पर धन की स्थिति क्या रहेगी, तो इस समय पर ये रहेंगे मीन राशि में मंगल। मीन राशि मतलब कि राहु यहाँ पहले से विद्यमान है, अब मीन राशि पर ही मंगल का भी ट्रांजिट आ गया। अब इसे राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन मानिए, कोई बहुत बड़े धन की वृद्धि यहाँ करा सकते हैं। मंगल देवता स्वयं लग्न पे आए हैं, अपने ऊपर आप धन खर्च करेंगे इस टाइम पर। इस समय पर अपने कार्यों के द्वारा आपको धन की प्राप्ति भी होगी, आप अपने ऊपर खर्चा भी करेंगे और प्राप्त भी करेंगे, क्योंकि मंगल जब भी लग्न पर आते हैं आपके साहस और प्रतिष्ठा की वृद्धि कराते हैं, आपके साहस के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई रिस्क लेने की आपकी कैपेबिलिटी के द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति इस समय पर सर्वाधिक होगी। मंगल जब यहाँ पर आपके लगन पर रहेंगे, आपके अपनी राशि पर रहेंगे, इनकी जो सातवीं दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर भी जाएगी, जिसके कारण से आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यापार से भी धन निकलने की संभावना 100% यहां पर प्रबल हो बनती है। अब यही नहीं, जैसे ही ये मंगल देवता 1 जून को क्रॉस करेंगे, अर्थात 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक का जो समय रहेगा, ये मंगल देव मेष राशि पर रहेंगे। मेष राशि तो भाई इनकी स्वयं की राशि हो गई और साथ ही साथ ये आपके धनेश भी हो गए। अब इससे अच्छा कॉम्बिनेशन भला और क्या लेंगे? इसका कारण ये भी होगा, भाई वित्त मंत्री वित्त भाव पर हैं, आर्थिक परिपूर्णता बहुत अच्छी हो सकती है। इस समय पर आपके बैंकों में पैसे जाएंगे, आप अपना बैंक में आपके पैसे जाएंगे, निवेश कर सकते हैं। आपको संचित धन की यदि आवश्यकता है, मुझे बहुत दिन हो गए मेरे धन खर्च हो रहा है, मेरा संचित कब होगा, यदि ये प्रश्न से आप जूझ रहे हैं तो ये समय हो सकता है 7 जुलाई तक का समय, जो आपके धन को संचित कराएगा। इस समय पर कोई मांगलिक कार्य होगा, आपके कौटुंबिक कोई सदस्य हैं जिसके द्वारा आपने पैसे किसी को दिया है और पैसे प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, ये आपको धन की वृद्धि करा पाएंगे। द्वितीय भाव आपकी वाणी भी होती है, तो अपने वाणी, अपने बातचीत, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा भी आप अच्छे खासे धन को आकर्षित करा पाएंगे। ये पूरा समय रहेगा 12 जुलाई तक का समय। जैसे ही 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त का डेट आता है, यही आपके वित्त मंत्री वृषभ में चले जाएंगे।
ये आ गए आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर वो स्थान हो गया जो किसी एग्रीमेंट के द्वारा आपको धनागमन कराएगा। हो सकता है कोई अनुबंध आपको करना है, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो मान लीजिए, या किसी कारण से आपको जहाँ से धन की प्राप्ति होना है वो एग्रीमेंट आप कर पाएंगे जिसके माध्यम से ये धन निकाल करके देंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी होता है, आपके छोटे भाई बहन हैं यदि और वो आप पर आश्रित हैं तो हो सकता है इस समय पर आप उन पर भी खर्च करें। कुल मिलाकर के तीसरे घर का मंगल आपके साहस में वृद्धि कराएगा और साथ ही साथ तीसरे घर को हम मानते हैं जो हमारी यात्राओं के लिए, तो कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जिस यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात आपका धनागमन हो। यदि आप ऑनलाइन संबंधी काम कर सकते हैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन संबंधी कार्य से धन की प्राप्ति होगी। जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम में हैं तो कॉम्पिटिशन एग्जाम ये दिला पाते हैं और जिसके कारण से इन्हें वहाँ पर धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इस बात को समझिएगा। अब जैसे ही 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त का डेट आता है, यही वृषभ में तो ये रहेंगे, अब 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक का जो डेट आएगा इसमें यही मंगलदेव एक घर आगे चले गए अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर आ गए। चतुर्थ पर ये जब जाएंगे, प्रॉपर्टी के कारक हैं, प्रॉपर्टी भाव पर हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य आपका बन सकता है। यदि आप बेचना चाहते हैं तो वहाँ से धन की प्राप्ति होगी और यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ये वो अनुकूल समय रहेगा जब आपके जेब से पैसे जाएंगे आपकी प्रॉपर्टी के लिए। क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे सुख संसाधनों का भी होता है, अब अपने घर में कोई सामग्री आप खरीद सकते हैं जहां पर आप अपने पैसे वहां पर आप लगा सकते हैं। जैसे ही 20 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर का दिन आएगा यही वक्री अवस्था में रहेंगे। अब वक्री अवस्था में आना मतलब ये पुनः फिर से एक घर पीछे का प्रतिफल ही देंगे। मतलब अभी जो मंगल का विषय आपको बताया एग्रीमेंट होना, भाई बहनों पर खर्च होना और साथ ही साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट करा सकते हैं जिससे कोई बहुत बड़ा इनकम हो जाए, यहाँ से इनकी दृष्टि मंगल की दृष्टि सीधे पड़ती है भाग्य भाव पर, तो भाग्य के सपोर्ट से भी हमें इनकम की प्राप्ति होगी। मतलब हमने काम किया है 10 रुपये का, हमें प्राप्त हो गया 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये यदि प्राप्त हो गए तो वो हमारे भाग्य की कृपा है अर्थात इसे ही कहते हैं ईश्वरीय कृपा। अब यहीं से मंगल की एक दृष्टि जाएगी 1, 2, 3, 4 सीधे वक्री अवस्था की बात हो रही है, वक्री अवस्था में ही आपके छठे भाव को देखेंगे तो छठा भाव का है का प्राप्ति का स्थान होता है, आपके पैसे इस समय पर प्राप्त होने की संभावना। कोई बड़ा धन अमाउंट आप सोच रहे हैं, कोई बड़े आप फिगर को आप तलाश कर रहे हैं कि ये मेरा कब पूर्ण होगा, तो ये समय हो सकता है आपके एक बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद ये चले जाएंगे 7 नवंबर के बाद ये पहुँच जाएंगे आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर ये मंगल जब जाएंगे चंद्रमा की राशि पर रहेंगे, कोई सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, आपको मानसिक शांति होगी, धन से जुड़े हुए यदि कोई मन में अशांति व्याप्त है कि भाई वास्तव में मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगा, कहां से मुझे धन की प्राप्ति होगी, तो ये समय आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टा इत्यादि से धन की प्राप्ति करा सकती है। इस समय पर यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको धन वहां पर आप अपने विद्या के क्षेत्र में अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप वहां पर धन लगाएंगे। पंचम भाव से में जब मंगल रहेंगे इनकी जो उच्च दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके इनकम भाव पर रहेगी अर्थात लाभ बहुत अच्छा। एकादश भाव हमारे लाभ को प्रदर्शित करता है और जो छठा पंचम भाव है वो हमारे मानसिक क्रियाओं को, तो मन में जो फिगर बैठा हुआ है धन को लेकर के ये पूर्ण होने की संभावना आपको दिसंबर में देखने को और ज़्यादा मिलेगी। अब समझते हैं जो हमारे जो तीन बड़े ग्रह हैं हमारे राहु हो गए, केतु हो गए, राहु हो गए, गुरु हो गए, शनि हो गए, तो शनि की स्थिति को पहले समझते हैं। शनि देवता आपके व्यय भाव पर बैठे हैं तो खर्च भाव पर बैठ करके खर्च की अधिकता करा रहे हैं, लेकिन सन 2024 में अब खर्च की बढ़ोतरी नहीं बल्कि रुकावट होगी। कोई बड़ा हानि आपने प्राप्त कर लिया है, उन हानियों में हमें रुकावट देखने को मिलेगी क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर से पड़ेगी सीधे धन भाव पर। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है मतलब आप धन को लेकर के ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। अब माना जाता है जब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमारे पास आर्थिक प्रबलता होनी चाहिए, इसका मतलब यह हो गया कि सन 2024 में मीन राशि के पास अच्छी खासी पैसा बनी हुई रहेगी। अब देवगुरु बृहस्पति को देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके ऑलरेडी इस साल 2024 के प्रारंभ से लेकर के पूरे 31 अप्रैल तक आपके धन भाव को शोभायमान कर रहे हैं, आर्थिक परिपूर्णता की ओर यहां पर अग्रसित करते हैं। गुरु देवता जहां बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। इस लॉजिक को यदि पकड़ा जाए तो आपका धन भाव ही इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूत अवस्था में अप्रैल तक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर अप्रैल के बाद में यही गुरु देवता पहुंच जाएंगे सीधे आपके
तृतीय भाव पर, तीसरे भाव पर जब ये जाएंगे आपके परिश्रम का प्रतिफल निकाल करके देंगे, कोई बड़े इनकम को निकाल के देंगे, क्योंकि यहाँ से इनके लाभ भाव भाग्य भाव पर दृष्टि भी जा रही है, आपके उच्च अधिकारियों से आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, आपको प्रमोशन की प्राप्ति, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके नौकरी व्यापार में भी एक अच्छी जागृति आपको देखने को मिलेगी अप्रैल महीने के बाद में कार्य क्षेत्र में। और धन के दृष्टिकोण से अप्रैल महीने तक का समय अनुकूल रहेगा। अब समझ लेते हैं राहु को। तो राहु तो भाई मीन राशि पर स्वयं विद्यमान है और इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है वो सीधे आपके व्यापार भाव पर, फिर से बता रहे हैं आपको, करियर के दृष्टिकोण से और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से ये सन 2024 एक बेहतर परिवर्तन आपके जीवन पर लेकर के आएगा। क्योंकि तीन ग्रहों का एक संग एक सूत्र में बैठना, एक तो शनि, एक तो राहु और एक तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, तीनों एक सूत्र में पिरोए हुए होंगे और यकीन मानिए ये 2024 एक बहुत बड़ा शीर्ष मुकाम आपको दिला सकता है आपके धन प्रतिष्ठा और विशेष सम्मान में वृद्धि के लिए। अब वास्तव में धन की स्थिति को और सूक्ष्मता से जानने के लिए हमको ये समझना होगा कि भाई हमारे बर्थ चार्ट में हमारे धनेश की क्या स्थिति है, हमारे राहु केतु गुरु शनि की क्या स्थिति है, जिसके द्वारा हम एक और अच्छी क्लियरिटी को प्राप्त कर पाएंगे कि हाँ ऐसा ही मेरे धन की स्थिति रहेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए, ट्रांजिट के अनुसार देखा जाए, तो धन आगमन का एक शुभ संयोग आपके जीवन में सन 2024 में एक बड़े मुकाम के को आपके जीवन में आपको प्रदर्शित करा सकता है, इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।